हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन कोर्स का सिलेबस देखने वाले हैं। मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है एक वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। और ये जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और हो सके तो सिलेबस एक पेज पर लिख लीजिए या कॉपी में जहाँ भी आप लिख सकें लिख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स जो हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपका सिलेबस जो है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकंड ईयर में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहला है पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट फॉर डिफरेंट सर्जरीज, यानी सर्जिकल पोजिशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है सेकंड टॉपिक एयरवे मैनेजमेंट, इंट्यूबेशन एंड ऑक्सीजन थेरेपी। तो एयरवे मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे इंट्यूबेट करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है, कैसे करा जाता है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है कि इंट्रावेनस एक्सेस यानी आईवी एक्सेस, पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों से रिलेटेड आपको अच्छे से देख लेना है। यानी पेरिफेरल रूट से भी आप जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं और सेंट्रली भी आप जो है इंजेक्शन दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं। तो सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एस्पिरेशन प्रोफाइल एक्सिस के बारे में भी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर है यूज ऑफ बॉयल्स मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ये सब आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये 10 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर है यूज ऑफ वेरियस मेडिकल गैसेज, तो क्या यूज है मेडिकल गैसेज का और जितने मेडिकल गैसेज हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव मॉनिटरिंग भी इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव होता है। अगर आप स्किन के थ्रू अंदर एंटर करके जैसे कि कैनूला डाल लेते हैं और फिर बीपी मॉनिटरिंग करते हैं आर्टेरियल लाइन के थ्रू, तो वो क्या हो गया, वो आपका जो है इन्वेजिव तरीका है मॉनिटरिंग का। नॉन इन्वेजिव में क्या है कि बीपी कफ जो है वो हाथ में बांध लिए ऊपर और फिर जो है मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये सारी मॉनिटरिंग आपको अच्छे से देख लेनी है, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव दोनों। और नेक्स्ट टॉपिक है एसेप्टिक टेक्निक्स यूज्ड इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर रूम में एसेप्टिक टेक्निक जो फॉलो होता है उसके बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट है रीजनल एनेस्थीसिया का टाइप, उसके इक्विपमेंट्स, उसके पोजिशनिंग, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, टेक्निक, एडवर्स इफेक्ट, यानी आपको सब कुछ पढ़ लेना है। आपको एनेस्थीसिया ही तो पढ़ना है, एनेस्थीसिया में आप लोकल एनेस्थीसिया पढ़ लीजिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ लीजिए, रीजनल एनेस्थीसिया पढ़ लीजिए, जनरल एनेस्थीसिया पढ़ लीजिए, सारी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके टाइप, इक्विपमेंट, पोजिशनिंग, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, टेक्निक, सब कुछ, ये सब जो पॉइंट्स हैं उसको आपको सारे एनेस्थीसिया में क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट है एनेस्थीसिया कंसेंट, हाई रिस्क एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में देखिए हर चीज़ में कंसेंट लिया जाता है, ऑपरेशन से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले यानी बेहोशी देने से पहले, तो आपको कंसेंट लेना भी सीखना होगा। नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक चेकअप, यानी प्री एनेस्थेटिक चेकअप के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, 5 मार्क्स में आ सकता है ये। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कैसे रखना है, क्या मेंटेनेंस होता है, वो सब देख लेना है आपको। फिर है कि स्टरलाइजेशन का डिफरेंट मेथड है वो पढ़ लेना है, जिसमें फिजिकल मेथड मोस्टली पूछा जाता है, तो स्टरलाइजेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। फिर है एसेप्टिक प्रैक्टिसेज यानी एसेप्टिक टेक्निक्स मेनली आपको देख लेना है। फिर है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के लिए फिक्स रहता है, यानी ये क्वेश्चन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते ही हैं और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। फिर है मल्टी पैरामीटर मॉनिटर्स, तो मल्टी पैरामीटर मॉनिटर्स भी आपको देख लेना है, ये टॉपिक 5 मार्क्स में आ सकता है। वेंटिलेटर्स के बारे में देख लेना है, बाईपैप, सीपैप, ये भी आपको देख लेना है। फिर इन्फ्यूज़न पंप टॉपिक, ये भी 5 नंबर क्वेश्चन में आता है शॉर्ट आंसर टाइप में। नेबुलाइजर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ये सब 10 मार्क्स क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर यानी जो भी मशीन्स हैं मेनली मॉनिटरिंग के लिए, वो सब आपको देख लेनी है। कार्डियक मॉनिटर हो गया, डिफिब्रिलेटर हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स भी आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, मेडिकल गैस सप्लाई,
तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी आगे जो है ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, और ये सारा जो है सिलेबस आपको कवर करना है, थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सब। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ ये सारा जो सिलेबस है वो आपको समझ में आया होगा। आप कहीं इसको नोट कर लीजिए और एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, नोट बना लीजिए, उसका नोट्स तैयार कर लीजिए। और ये सारे टॉपिक्स में कुछ कुछ टॉपिक्स के वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, और आपका जो डिपार्टमेंटल पेपर है, कॉमन पेपर है, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आप उसे देखकर पढ़कर हेल्प ले सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।